नमस्कार दोस्तों, हल्की हल्की ठंड, गुलाबी ठंड प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। दस्तूर भी है, मौका भी है और नेचर भी कहती है सर्दियों के फूल लगाए जाएं। मैं आपको बंधु विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी नई चीजें मिलेंगी जो कि अन्यथा मिलनी थोड़ी दुर्लभ हो जाती हैं। आपकी हर किस्म की शंका के कर्तव्य विमूढ़ता का समाधान करने की कोशिश इस वीडियो में करी जाएगी। वैसे तो बंधुओं, मित्रों, भद्रजनों, लोग 3 महीने से ही ये सर्दियों के फूलों के ऊपर बात करना प्रारंभ कर दिए। जब कोई बात की जाए वो उसके 2 या 3 पैमाने होते हैं जिनसे आप परख सकते हैं कि जो बात कही जा रही है वो कितनी सत्य परख है, कितनी निष्ठावान है, कितनी साइंटिफिक एविडेंस के साथ कही गई है। वीडियो बनाना तो बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन है। कठिन मेरे जैसे लेके बोले जिसको एक तप के वीडियो निकलती है खूब डाइजेशन के बाद। हालांकि मैं इसे कहने में संकोच नहीं होगा कि फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल साइंस में मैंने दोनों वैज्ञानिकों के साथ बहुत समय बिताया है, तभी यह जानकारी मैं आपको जुटा पाता हूं। दोस्तों, फ्लोरिकल्चर हेड जो कि फ्लोरिडा में स्थित हैं, डॉक्टर डिक स्टॉकटन, उनका कहना है कि सर्दी के फूल भले ही आप अमेरिका में लगाएं, भारत में लगाएं, यानी एशिया में लगाएं, अफ्रीका में लगाएं, अमेरिका में लगाएं, ऑस्ट्रेलिया में लगाएं या यूरोप में लगाएं, उसके लिए तापमान, वो सेंटीग्रेड की बात करते हैं कि तापमान 45 डिग्री से ऊंचा नहीं होना चाहिए। बंधुओं, आज की डेट में भी 55 के आसपास तापमान रह रहा है, 55-60 उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं। वो एक मिसाल देखते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर राहुल रेमरेस जो कि कोलोराडो यूनिवर्सिटी के हेड हैं, उनका कहना है अगर आपने पेंसिल लगाना है उसके लिए कम से कम तापमान 15 डिग्री तापमान होना चाहिए रात का, और दिन का तापमान होना चाहिए 30 डिग्री। तो कितना हो गया, 45। यहां तो 70 डिग्री में भी लोग कहते चले जा रहे हैं। जैसे कहने वाले वैसे सुनने वाले। वो एक कहावत है, अंधा अंधा खेलिया दो कुएं पड़न। चलो ठीक है, मैं आपको एक बात कर रहा हूं। आज सबसे पहले मेरे लिए सोचा तो मैंने बहुत कुछ होता है, बड़ी छोटी वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2-2, 3-3 मिनट की। चलो कहीं से भी पकड़ता हूं, शुरू तो करें। ये देखिए, ये गेंदे के फूल आपके सामने पड़े हैं, कौन से फूल लगाएं, क्योंकि ये सबसे जरूरी फूल है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ मैं भ्रांतियां और असत्यताएं दूर करना चाहता हूं। गेंदा 12 महीने आप लगा तो सकते हो, लेकिन गर्मी में, यानी कि मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आप सिर्फ और सिर्फ एक नमूने का गेंदा लगा सकते हो। अभी तक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसके अंतर्गत आती है दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के फ्लोरिकल्चर हेड डॉक्टर सिंधु, उन्होंने कहा है कि गर्मी का जो सीड है भारत के कृषि वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ले देके कैलकटिया गांडा जैसे हम लड्डू गेंदा कहते हैं, या फिर क्रैक जैक, कैलकटिया लड्डू गेंदा क्रैक जैक, ये 5 महीने गर्मी में उगता है, दूसरा कोई गेंदा नहीं उगेगा। हाँ, अगर किसान थोड़ा समृद्ध है तो बोनी जाति के जिसे क्रैक जैक कहते हैं वो ले सकता है। ये गर्मियों की बात है, सर्दियों में तो पूरा मैदान खुला है बंधुओं, जो मर्जी लगाइए, जिस मर्जी लगाइए, अफ्रीकन गेंदे में लगाइए, आप फ्रेंच गेंदा जिसे जाफरी भी कहते हैं, अफ्रीकन गेंदा बड़ा होता है, दो ही आती हैं किस्में, एक अफ्रीकन और एक फ्रेंच गेंदा।
जो अफ्रीकन है वो बड़ा होता है, जो फ्रेंच गेंदा है वो छोटा होता है, बोनी किस्म का होता है, ड्वार्फ वैरायटी होती है। गेंदे में जो छोटी किस्म होती है उसे ड्वार्फ वैरायटी भी कहते हैं, F1 F2 भी कहते हैं, संकर जाति भी कहते हैं। अब F1 और F2 ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, अफ्रीकन मैरीगोल्ड F1 ड्वार्फ ऑरेंज, अफ्रीकन मैरीगोल्ड F2 ड्वार्फ येलो। ये F1 और F2 ये क्या बला होता है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है अफ्रीकन मैरीगोल्ड F1 अफ्रीकन मैरीगोल्ड। ये मदर प्लांट से जो एक माता पिता उनके पेरेंट्स से जो वैज्ञानिक लोग जर्म प्लाज्म लेकर तैयार करते हैं, जो पहली जनरेशन है वो F1 कहलाती है। उसके बाद F1 के जो माता पिता, उसके आगे जो उनके हमें सीड्स या जर्म प्लाज्म मिलते हैं उसे F2 कहते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप गेंदा अफ्रीकन लगाएं, छोटा लगाएं, जाफरी लगाएं, काले वाला लगाएं, F1 लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, संकर लगाएं, छोटा लगाएं, सब कुछ लग सकता है। तापमान फिर बता रहा हूं 15 हाईएस्ट 30 45 या 50 हद से हद। तो सर्वप्रथम गेंदा या मैरीगोल्ड बहुत ही सुंदर फूल, बहुत ही खपत वाला फूल है, बहुत ही आसानी से उग जाता है। तो इसके बाद आता है ये देखिए, ये पेंजी, ये देख रहे हैं पेंजी, ये नंबर 1 इसका स्थान प्राप्त है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। ये इसके अंदर भी ओपन वैरायटी होती है और हाइब्रिड यानी कि संकर जाति होती है। हाइब्रिड जरा बोनी प्रजाति होती है, छोटी प्रजाति होती है और कंपैरेटिवली मुकाबलेतन अपेक्षाकृत महंगी होती है। आप हाइब्रिड लगा सकते हैं। उसके बाद में आपका नंबर आता है कैलेंडुला, ये आप कैलेंडुला लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर फूल है पेंसी कैलेंडुला। आप इनकी टोकरियों में भी लगा सकते हैं, इनकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही गजब की बनती है। ये देखिए ये कैलेंडुला जा रहा है, ये कैलेंडुला। उसके बाद बंधुओं ये फ्लॉक्स ये लगा सकते हैं आप, ये इसके अंदर भी आप जिस प्रकार का लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद आता है एक और गजब का फूल, ये रहा वर्बीना। ये देखिए इसमें भी साधारण किस्म भी आती है और हाइब्रिड भी आती है। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत फूल है, छोटी प्रजाति के होते हैं, ज्यादा जड़े बड़ी होती नहीं, पौधों आराम से लगाया जा सकता है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकते हैं। और मेरे तो फेवरेट फूलों की अब लाइन आ रही है, जैसे पेंसी के बाद सीधा मैं पहुंचता हूं सिनेरिया पर। ये देखिए ये टोकरियां लद जाती हैं जब फ्लावर शो होते हैं, सबसे आकर्षण का केंद्र पेंसी वर्बीना सिनेरिया। ये देखिए ये आप लगा सकते हैं। एक फूल जिसे लोग बहुत कम जानते भी हैं और लगाते भी हैं, स्वीट विलियम। अब इसके साथ एक स्वीट सुल्तान भी आता है, जब आगे बारी आएगी शायद दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा ये स्वीट सुल्तान। उसके बाद ये नस्ट्रेशियम, ये जो बाड़ लगाई जाती है ना दाएं बाएं, ये भी एक हैंगिंग टोकरी में बहुत सुंदर लगती है, कोई कवर कोई कोना कवर करना हो बहुत सुंदर है नस्ट्रेशियम। नमेशिया भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए हमारे देशों में इसको वो स्थान प्राप्त नहीं है जो यूके में या ब्रिटेन में है, ये डेजी।
कई देशों का तो ये राष्ट्रीय फूल भी है ये डेजी। उसके बाद सर्दियों की बंधुओं इतनी वैरायटी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। 1000 से ज्यादा फूल हैं सर्दियों के जो सिर्फ भारत में लगाए जा सकते हैं। ये देखिए ये स्टॉक, ये लंबे फूल जैसे ग्लैडुलस के होते हैं ना एंटी रायनम डंडियां, ये ऊपर गए हुए हैं, ये एंटी रायनम है। ऐसे लगता है जैसे लाल लाल अग्नि के बाण छोड़े हो, या आप सालविया लगा सकते हैं सर्दी में। ये सालवी का दूसरा वैरायटी है सफेद। एक और बहुत सुंदर फूल लार्क्स पर भी लगा सकते हैं, ये सर्दी के फूल हैं। लुपिन भी लगा सकते हैं, ये भी बेहतरीन फूल है। अगर आपको कलर पसंद है तो अग्रेशम, ये एक जामनी इनकी पर्पल कलर लगा सकती हैं, ये भी F1 की वैरायटी है एग्रेटम। उसके बाद बुके को बनाने के लिए जरबेरा, ग्लेडुलस, रोज एक और सुंदर हैंगिंग प्लांट्स भी है और ऐड भी करता है एडजुवेंट यानी स्वीट एलाइसम। अब इसके साथ और कैंडिडा बहुत मिलता जुलता है। ये देखिए ये कैंडिटफ और ये स्वीट विलियम, कौन सा अच्छा लगा आपको। उसके बाद एक ऐसी प्रकार की घास आती है सिल्वर डस्ट, बड़ी बेहतरीन फूल लगता है। फूल तो नहीं होता है, इसके पत्ते ही होते हैं ऐसे सिल्वर कलर के, कईयों को बहुत पसंद आता है। इसके बिना तो बाग ही नहीं बनेगा। ये देखिए ये डायंथस बर्बटूस, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है डायंथस बेबी डॉल मिक्स, ये इनकी वैरायटी है। ये चबाड है, ये बड़ी मशहूर वैरायटी है, गलती लग जाती है लोग इसे कार्नेशन भी कह देते हैं। ये देखिए अभी भी वही आ रहा है डायंथस डायंथस। एक और है बहुत ही गजब का फूल, तो कईयों को तो नंबर वन पसंद है, खैर मेरी ये नंबर पसंद पे पहले में तो नहीं है, हाँ पहले 10 में जरूर है, पेटूनिया। इसके अंदर सैकड़ों क्या हजारों नस्लें हैं, छोटी बड़ी मल्टीपर्पज कई नमूने की। ये देखिए ये पेटूनिया की वैरायटी है, ये अलग तरह की है, ये सिंगल की है। उसके बाद में डिम्ब्रोफाइटिका अगर लगाना चाहो कोई तो, ये भी वही है, ये भी वही है। मेसबरेंथम कंपैरेटिवली ये कम मशहूरी है इनकी, इन पौधों की। ओस्टिप्रेनम और पॉपी, ये कुछ एक फूल हैं जो मैं आपको बतलाए। अब दोस्तों कुछ एक धारणाएं मैं झूठ आपकी दूर करना चाहूंगा। अब क्राई कुछ एक पौधे हैं, फूल हैं, आप देख तो लेते होंगे। देखिए 2-3 फूल ऐसे हैं जिसकी किसी भी कीमत पर आप घर में उसका पौधा या फूल नहीं प्राप्त करवाते जो आप फ्लावर शो में देखते हैं। पहली बात तो यह है कि क्राइसेंथमम की एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है। अब ये क्राइसेंथमम के अंदर कार्नेशन भी आ रहा है, कार्सेंथ के अंदर कॉर्न फ्लावर भी आता है। जो क्राइसेंथमम जिसे गुलदाउदी कहते हैं, सिंगल पेटल वाला यानी कि स्टैंडर्ड साइज वाला, और मल्टीपल वाला जिसे बबूना भी कहते हैं क्राइसेंथमम को, एनुअल वाला भी होता है, सर्दी के मौसम वाला भी होता है, पेरिनियल वाला भी होता है। क्राइसेंथमम की जो फ्लावर शो में आप देखते हैं ना, उसकी आप कटिंग ही ले सकते हैं। वो कई रंगों में आता है, इनवर्ड्स आता है, आउटवर्ड आता है, कर्लिंग आता है, पम्पम वैरायटी आती है, बहुत ही सुंदर वैरायटी आती है। वो बीज से कदापि नहीं लगते। अगर आप कहीं पर भी क्राइसेंथमम
फूलों की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दुकान पर देखते हैं, मंडियों में जाके देखते हैं, जो क्राइसेंथेमम में गुलदाउदी होती है वो जाके बबूना बन जाएगा, एनुअल फ्लावर बन जाएगा, जो सफेद रंग के होते हैं या पीले रंग के होते हैं, सिंगल पैटर्न के, वो गुदे हुए फूल नहीं होते। और दूसरी बात, वो होते हैं एनुअल, सारा साल चलते हैं। क्राइसेंथेमम तो कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, वो दिसंबर में खत्म हो जाते हैं, बल्कि दिसंबर के प्रारंभ में उसका जो फ्लावर्स वो देश के भागों में लगता है, वो कभी भी उससे नहीं लगता, फूलों से, उसको कटिंग से ही लेना पड़ता है। दूसरी बात, कॉर्नेशन, इस फूल को भी कभी नहीं प्राप्त, हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये क्राइसेंथेमम वालों ने, ये देखिए क्राइसेंथेमम वालों ने भी सिंगल सा फूल लगाया हुआ है, ये वो फूल नहीं है जो गुलदाउदी जो आपको उसमें दिखाया जाता है, जो फ्लावर शो में, जो कि कंपटीशन या मुकाबला होता है, क्राइसेंथेमम नहीं लग जा सकता, ना ही कार्नेशन लगेगा, कभी भी फूल उत्पादन नहीं होगा जो कि 6 इंच का मोटा होता है, लगने को लग जाएगा, 1½ इंच का फूल आ जाएगा, इसके क्राइसेंथेमम के, कार्नेशन के, इसके ऊतक संवर्धक टिश्यू कल्चर से ही मिलता है। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, और तीसरी चीज है डहेलिया, ये देखिए, जो कि थोड़ा समय बाद होली के आसपास ये तक रहता है। अब ये देखिए, ये डहेलिया का जो 1 किलो किलो के जो फूल होते हैं, जैसे कैलोराडा के एसोसिएशन दुनिया में सबसे मशहूर है डहेलिया की, ये डहेलिया के बीज तो, लेकिन इस प्रकार के आपको फूल मिलेंगे, ये फूल कदापि नहीं मिलता, ये कटिंग से आजकल भी मिलना शुरू हो गया, अच्छा है दीपावली के बाद इसे लिया जाए। ये डहेलिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, डहेलिया, ये टिश्यू कल्चर या कटिंग से जो नर्सरी वाले तैयार करते हैं उनसे मिलता है। और चौथी चीज, ये जरेनियम, ये जो फूल है ये भी बहुत महंगा आता है, ये वाला, ये जो है जरेनियम, ये भी फूल जो है बीज से तैयार नहीं हो पाता, कटिंग से तैयार होगा। पांचवा एक और फूल है बंधुओं, जो बहुत मशहूर है, जिसे जरबेरा कहते हैं, वो भी किसी कीमत पर नहीं उग पाएगा बीज से, जरबेरा भी टिश्यू कल्चर से प्राप्त होता है, इसका फूल भारत में 100 रुपए से लेके लगा हुआ फूल, बना हुआ गमले में, छोटे से टब में लगा हुआ गमले में 100 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक है, फूल की लोकेशन आपके इलाके के लोकेशन के लिहाज से। जो जरबेरा है वो भी टिश्यू कल्चर से मिलता है, हालांकि एनसीआर स्थित एक शील बायोटिक कंपनी है जो कि जरबेरा भी 20 रुपए से 15 रुपए का एक देती है, लेकिन उनकी शर्त है कम से कम भी 100 आपको पौधे लेने पड़ेंगे, यानी कि 1500 रुपए के, ठीक है 15 रुपए भी अगर मिलता है तो आप 250 रुपए लोगों को आराम से मिल जाता है, सेकंड टायर या 3 टायर स्कीम में, फर्स्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1000 तक बिकता है। ये मैंने कुछ फूलों की आपको ये बात बताई। अब लोगों को एक इस बात में बड़ा वो है कि जो ये फूल होता है वो डायंथस और कार्नेशन को बिल्कुल एक समझते हैं बंधुओं, डायंथस और कार्नेशन, ये डायंथस, ये कार्नेशन, ये एक नहीं है, कार्नेशन एक बड़ी वैरायटी है जिसके अंदर, कार्नेशन के अंदर कम से कम भी 30,000 किस्म के फूल आते हैं। जी हाँ, 30,000 किस्म के, कम से कम वैरायटी की बात कह रहा हूं। कार्नेशन के अंदर डायंथस भी आता है, कार्नेशन एक ह्यूज वैरायटी है, और उसके अंदर, कार्नेशन के अंदर एक स्वीट विलियम्स भी आता है। ये स्वीट विलियम भी आ गया, डायंथसिस भी आ गया, ये कार्नेशन जो है एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर ही ये सब आते हैं। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पूर्णतः जानकारी दी जाए। बंधुओं, आज की डेट में भी आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 10 रुपए का पैकेट भी आता है,
10 रुपए से लेके 10,000 तक के पैकेट आते हैं। जी हां, एक 100 दाना अगर वो होता है तो वो 10 रुपए का आता है। 10 पैसे का भी एक फूल का दाना पड़ता है और 100 रुपए का भी सिंगल राई का दाना पड़ता है। कमाल की बात है, 10 से 10,000 तक भारत में अवेलेबल हैं। अब आप कहेंगे इनको कहां से लेना चाहिए, ऑनलाइन कहां से लें? तो कोशिश ये कीजिए ऑनलाइन उस जो फूल विक्रेता है ना, जिनकी वेबसाइट्स हैं, जो फूल वाले हैं, उनके पास से ही आप लें, क्योंकि उनको इस चीज के बारे में विशेषज्ञता। जो टीवी फ्रिज बेचता है उनसे भी आप फूल लोगे तो रह क्या जाएगा दोस्तों, विशेषज्ञता तो उनके पास नहीं है। ठीक है, उनका नाम तो बड़ा है, तो ये तो वेबसाइट की बात है। 10 से लेकर 10,000 तक के आपको फूल मिलते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा पैकेट है, ये 10-10 रुपए के भी पैकेट है। अब इसके अंदर कुछ विदेशी कंपनियां भी आ जाती हैं। ये देखिए, ये थाई फूल है गेंदे का। अब ये देखिए, इसकी कीमत कम से कम ये 500 रुपए का पैकेट है। ये देखिए FW98, ये थाईलैंड का, बाहर का है। अब ये देखिए, ये एक इटालियन कंपनी है, ल्यूजन क्लॉज। ये देखिए, ये भी 400 रुपए का जरा सा पैकेट है और 10 रुपए का भी पैकेट है। ये देखिए, अब इसमें और इसमें, ये देखिए और ये देखिए, एक जैसा ही पैकेट लग रहा है ना, दाने भी उतने हैं। देखिए, एक 10 रुपए का है, एक 1,000 रुपए का है। और अगर चीप एंड बेस्ट लेना चाहते हैं, ये देखिए, मैं आपको यहां एड्रेस दे रहा हूं, सेंटर फॉर प्रोटेक्टिक टेक्नोलॉजी, यानी कि पूसा के फ्लोरिकल्चर डिवीजन भी है, और ये जो है प्रोटेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, जो निर्माण किया जाता है ग्रीन नेट का, उनके भी अंदर है। इनसे भी आपको बात करके पता लगाया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये देखिए, ये पूसा के बीज हैं, ये चीप एंड बेस्ट हैं। कोई इसमें तो कोई समझौते वाली बात ही नहीं है दोस्तों। एक बात और है, जब भी आप किसी ऑनलाइन पर खरीदते हैं ना बीज, आप ये देखिए उनके पास पूरा पता है कि नहीं, उनका लैंडलाइन है कि नहीं, सिवाय मोबाइल के नहीं, उनके लैंडलाइन होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, कस्टमर केयर सर्विस का पता होना चाहिए, भले वो 10 पैसे का पैकेट क्यों ना हो। सच्चाई तो सच्चाई है ना। अब सवाल उठता है, जैसे मैंने बताया, ये पूरा एक कई सीरीज का मैंने एक ही में डाल दिया है, कि कौन सा सीरीज, कौन से कंपनियां हैं, शायद आपको ना पता हो कि कौन सी कंपनी अच्छी हैं। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं, जिसको मेरे कई सालों का मुझे उस पर तजर्बा है, ये देखिए, ये पंजाब की दो कंपनियां, मैं इनको बहुत ऊंची रेटिंग आंकता हूं। ये देखिए, मेरा लेना देना कुछ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, ये सदैव ही आ, कितने सालों से मैं इनसे बीज मंगवा रहा हूं, ये प्लांट्समैन और बायोकार्ब, ये दोनों पटियाला की। अब इसमें खूबी क्या है, पूरा एड्रेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर तक भी इनका निर्यात होता है। ये देखिए, संपूर्ण इनका एड्रेस है, ये भी चीप एंड एम्बेस्ड है पूसा की तरह, प्लांट्समैन और बायोकार्ब, बहुत ही बढ़िया ये कंपनियों हैं, बहुत ही फूलों के अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी और भी चाहिए, इनके अलावा बहुत हैं, जैसे जिसका रिश्ता बन गया, ये देखिए, इंडम सीड आता है, बहुत ही ऊंची कंपनी है। इसके अलावा सटन सीड आता है, सटन, ये तो ये एक
बेहतरीन फूलों की किस्म है संभवतः आपको पता नहीं, नामधारी सीड्स, बहुत ही ऊंचे कंपनियां हैं बंधुओं। ये मैं बता रहा हूं इसलिए कि इनको स्पेशलाइजेशन हासिल है। कई तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ फूलों के ही बीज उत्पादन करते हैं। भारत में सब्जियों के बीज उत्पादन करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैंने पूसा के साइंटिस्ट से बात करी, उन्होंने ये बात करी है कि फूलों के बीज उगाना बहुत मुश्किल काम है, एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। और जलवायु कहां पैदा की जाती है? भारत के जो बीज होते हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत आगे हैं, सरकारी कंपनियों के लिए या तो फिर ये उत्तराखंड या हिमाचल का इलाका ही श्रेष्ठ कराया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए एक ही क्राफ्ट कंपनी है, ये भी बहुत ऊंचे तरह की है, बहुत ही ऊंचे कंपनी की। इसके बाद में कुछ जैपनीज कंपनी भी है, स्काटा कंपनी है, टोकाई कंपनी है, और जॉनसन्स कंपनी भी है, ट्रू वैल्यू भी है, सोलिटायर है, फादर जाइल्स भी है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जहां पर आप जाके विजिट्स कर सकते हैं। बंधु एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश करी है, कौन से फूल लगाए जाए, फूलों के बारे में अनभिज्ञता क्या है, कौन सी वेबसाइट्स विजिट किया जाए, फूलों के रेट के मापदंड क्या है, किसी के कम किसी के ज्यादा क्यों हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्या नहीं पसंद आया जरूर बतलाइएगा। बंधुओं आपने इतने धैर्य और इतने प्रेम पूर्वक सुना, आपके हृदय में उपस्थित प्रभु को मेरे नम्र वंदन स्वीकार हो। नमस्कार।